करता है, लुब्रिकेंट समझते हो ना, जैसे मेनिस्काई में भी लुब्रिकेंट होता है, ठीक है, साइनवेल जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट होता है साइनवेल फ्लूड, इसी तरह से CSF जो होता है ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाता है, बेसिकली इट एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द ब्रेन एंड सर्व एज रिजर्वेयर एंड असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्कल. नाउ नरिशमेंट ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट करता है, रिमूव द मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द CNS एंड सर्व एज ए पाथवे फॉर द पीनियल सिक्रेशन टू रीच द प्यूटरीट्री ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होते हैं उनको प्यूटरीट्री ग्लैंड तक पहुंचाता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड. नाउ साइट ऑफ द फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, इट फॉर्म्ड बाय द कोरोड प्लेक्सस. एंड व्हाट इज द कोरोड प्लेक्सस? बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स और द टिनी वेसल्स विच इज लाइंड बाय द एंडोथीलियम. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, ए कोरोड प्लेक्सस इज लाइंड बाय द एंडोथीलियम. ठीक है ना, क्या बताना आपको? एंडोथीलियम, नॉट एपिथीलियम. ठीक है, कोरोड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल कैविटी मोस्टली फॉर्म बाय द लेटरल वेंट्रिकल. मोस्टली किस में फॉर्म होता है? ये लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ, लेटरल वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ पता आपको लेटरल वेंट्रिकल कैविटी किसकी होती है? लेटरल वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ फोर ब्रेन, और उसको हम बोल सकते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, एंड जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर वेंट्रिकल्स टोटल होते हैं. आगे बैठ जाओ, देखो फोर वेंट्रिकल टोटल होते हैं, टू लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, और एक फोर्थ वेंट्रिकल. तो टू लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इनटू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच इज द कैविटी ऑफ फोर ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफ्लोन. क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफ्लोन. ठीक है, एंड मिड ब्रेन को बोलते हैं मेजेंसिफेलोन. क्या बोलते हैं? मेजेंसिफेलोन. एंड हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड एज रोम्बेंसिफ्लोन. ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लेटरल वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल कैविटी इज ए फोर ब्रेन और द प्रोजेंसिफ्लोन, एंड थर्ड वेंट्रिकल इज ए कैविटी ऑफ मिड ब्रेन, एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन रोम्बेंसिफ्लोन, विच इज प्रेजेंट, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट जस्ट पोस्टीरियर टू पोन्स एंड मेडुला. ठीक है, तो एंड जस्ट एंटीरियर टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर. तो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा ये चीज. ओरिजिनेट फ्रॉम द एपेंडाइमल सेल्स लाइनिंग द वेंट्रिकल्स, सम फ्रॉम द ब्रेन सबस्टांसेस थ्रू द पेरीवेस्कुलर स्पेस. ठीक है, पेरीवेस्कुलर बेसिकली ब्लड वेसल से ही सीक्रेट होता है. नहीं, कोरोड प्लेक्सस, देखो दीज आर द वेंट्रिकल्स, दीज आर द टू लेटरल वेंट्रिकल्स. ठीक है, प्रेजेंट इन टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एंड दिस इज द पोन्स. तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स वाला, ठीक है, टू लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. द कनेक्शन बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल इज नोन एज द कनेक्शन बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल इज नोन एज फोरामन मुनरो. क्या बोलते हैं उसको? फोरामन मुनरो, और विच इज ऑल्सो नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर फोरामन. क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर फोरामन. एंड कनेक्शन बिटवीन, दिस इज द कोरोड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज द कोरोड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, एंडोथीलियल लाइनिंग्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. And the connection between third ventricle to fourth ventricle is known as aqueduct of Sylvius. क्या बोलेंगे उसको? Aqueduct of Sylvius, or this is also known as cerebral aqueduct. ठीक है, तो जो भी CSF का flow होगा वो सबसे पहले lateral ventricle, फिर third ventricle में through the foramen Munro or the interventricular foramen, and lastly it is enter into the फोर्थ वेंट्रिकल बाय द एक्यूडक्ट ऑफ द सिल्वियस. द CSF इज फॉर्म इन टू द लेटरल वेंट्रिकल, एस्केप बाय द फोरामन मुनरो इन टू द थर्ड वेंट्रिकल,
एंड फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल इट इज पास थ्रू द एक्विडक्ट ऑफ द सिलवियस इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन द फोर्थ वेंट्रिकल द फ्लूइड पोर्स इनटू द सबअरेक्नॉइड स्पेस थ्रू द मीडियल फोरामन नोन एज मेगंडी एंड टू लेटरल फोरामन नोन एज लस्का. दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. ठीक है. दिस इज द पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. दिस इज द फोरामन मुंड्रो एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल. दिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट and the CSF form mostly form into the lateral ventricle and it enter into the third ventricle through the foramen Munro and after that it enter into the fourth ventricle through the cerebral aqueduct. ठीक है. ये आपको pathway बताना है. important question यही है CSF में, what is the path of CSF flow. ठीक है. तो हमें बताना है कि it's जब भी question आए आपको, जैसे short note आए या long notes, तो सबसे पहले CSF के बारे में आपको लिखना है. थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ द CSF में आपको कोरोड प्लेक्सस के बारे में बताना है. इसके बाद में फ्लो ऑफ द CSF में आपको ये पाथ बताना है. फर्स्टली फॉर्म इनटू द लेटरल वेंट्रिकल, एंटर इनटू द थर्ड वेंट्रिकल बाय द फोरामन मुंड्रो और द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन एंड आफ्टर दैट एंटर इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल बाय द सेरिब्रल एक्विडक्ट. आफ्टर दैट देखो यहाँ पे सेरिब्रल एक्विडक्ट से देखो ये है फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है. द फोर्थ वेंट्रिकल से एक फोरामन लेटरली इधर जाएगा और एक फोरामन मीडियली इधर जाएगा. तो इस फोरामन को बोलते हैं हम फोरामन मेगंडी. क्या बोलेंगे? फोरामन मेगंडी. एंड लेटरल फोरामन जो होंगे वो दो होंगे, एक इधर होगा एक दूसरी साइड में होगा, क्योंकि सेरिब्रलर हेमिस्फीयर टू होते हैं. तो वन इज फोरामन लस्का. ठीक है. टू फोरामन लस्का आर प्रेजेंट इन टू द लेटरल पार्ट. तो फोरामन लस्का जो लेटरल पार्ट होता है उसको फोरामन लस्का बोलते हैं, और जो मेगंडी होता है वो मीडियन पार्ट होता है. जो मेगंडी के थ्रू, अब देखो दो क्वेश्चन यहां बनते हैं, जो ब्रेन को सप्लाई करेगा वो होगा फोरामन लस्का के थ्रू. जो ब्रेन को सप्लाई करेगा वो होगा फोरामन लस्का के थ्रू, एंड जो स्पाइनल कोड को जो सप्लाई करेगा विच इज बाय द फोरामन मेगंडी. इट इज फॉर्म इन टू द लेटरल वेंट्रिकल. After that it enter into the third ventricle by the interventricular foramen or the foramen Munro. Third ventricle and enter into the fourth ventricle through the cerebral aqueduct. इसी तरह से आपको draw करना है diagram अगर flow of the CSF आए तो. ठीक है. And fourth ventricle it enter into the two lateral foramen by the foramen Lasca and one median foramen which is known as foramen Magendie. Through the foramen Magendie, it enter into the subarachnoid space, and after that, inferiorly, it enter into the spinal cord. And through the foramen Lasca, it enter into the lateral part. ठीक है. तो absorption of the CSF कहाँ होता है? Absorption of the CSF by the arachnoid villi, which are mostly present into superior sagittal sinus. ठीक है. यहाँ पे होता है ना superior sagittal, मैंने बताया था ना आपको superior sagittal sinus, उसकी जो vein होती हैं उनमें arachnoid villi present होते हैं, वहाँ पे CSF का absorption होता है. Absorption of the CSF into the dural venous sinuses. ठीक है. dural venous sinuses मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं. कुछ पेयर्ड ड्यूरल विनस साइनसेज होते हैं, कुछ अनपेयर्ड होते हैं, जैसे सुपीरियर सजेटल साइनस, इन्फीरियर सजेटल साइनस. ठीक है. सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, कैवर्नस साइनस, स्ट्रेट साइनस. स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म बाय द, अभी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म बाय, स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा आपके, जैसे जो भी पीयूसी होगा कुछ भी होगा उसमें. स्ट्रेट साइनस इज फॉर्म बाय द इन्फीरियर सजेटल साइनस एंड जॉइन विद द ग्रेट वेन ऑफ द गैलन. ठीक है. ग्रेट वेन ऑफ द गैलन, जो सेरिब्रल, ग्रेट सेरिब्रल वेन भी बोलते हैं जिसको. ठीक है. तो उससे फॉर्म होता है स्ट्रेट साइनस. मेन साइट इज एरेक्नोइड विलाई project into the dural venous sinus, especially superior sagittal sinus, especially into the superior sagittal sinus. ठीक है. These are the arachnoid villi. ये villi हैं, arachnoid villi. ठीक है. जो this is the sinus,
एंड दीज आर द एरेक्नोइड विलाइज. एरेक्नोइड विलाइज आर कवर्ड बाय द एंडोथीलियम ऑफ द वीनस साइनेसिस एंड एरेक्नोइड विलाई टेंड्स टू ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म द एलिवेशन नोन एज एरेक्नोइड ग्रेन्यूल्स बोलते हैं इनको. एंड सी एस एफ प्रेशर इज मोर देन द सी एस एफ प्रेशर इज साइनस. द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सी एस एफ थ्रू द एरेक्नोइड विलाई कंट्रोल द सी एस एफ प्रेशर. Now, clinical applications of the cerebrospinal fluid, one of the most important clinical feature is hydrocephalus. Hydrocephalus. क्या होगा इसमें जो ventricles होते हैं अगर block हो जाता है, aqueduct, cerebral aqueduct या फिर foramen Munro अगर block हो जाता है, ठीक है, infection हो जाए उसमें या फिर accidentally अगर block हो जाता है तो जो flow of the CSF होता है वो proper नहीं हो पाता है. इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स में इसका जो एक्यूमुलेशन ऑफ द सी एस एफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर वेंट्रिकल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लो एक्यूमुलेशन ऑफ द सी एस एफ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस बड़ा हो जाएगा, जो हेड साइज होता है बेबी का वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोसेफेलस. ठीक है, the term hydrocephalus is that derived from the Greek word hydro meaning water and cephalus meaning head. ठीक है, मतलब पानी भर गया सर में, ऐसे बोलते हैं हम. ठीक है, तो ventricles में CSF pressure बहुत ज़्यादा increase हो जाता है, इसकी वजह से ventricles जो होते हैं वो large हो जाते हैं. ठीक है, large होंगे तो ये condition जो होती है hydrocephalus बोलते हैं उसको. excessive accumulation of the fluid into the brain. This condition is known as hydrocephalus. Now the another part is subarachnoid cistern. ये इसमें कुछ cisterns हैं जो हम पढ़ते हैं. What is the cistern? Cistern is a space which is present into the subarachnoid space and it is filled with the cerebrospinal fluid. ठीक है, ऐसे space जो CSF से भरे हुए होते हैं brain में उनको बोलते हैं cistern. ये simple language में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सिस्टर्न. सिस्टर्न इज ए स्पेस विच इज फिल्ड बाय द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड. ठीक, अभी कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ होते हैं ब्रेन में वो हम देखते हैं इसमें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टर्न इज, पहले ये देख लेते हैं इसमें. सिस्टर्न आर द ओपनिंग्स ऑफ द सबअरैक्नॉइड स्पेस फिल्ड विद द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड एंड दीज सिस्टर्न्स आर लार्ज पूल ऑफ द सी एस एफ एंड एक्ट एज वाटर बेड टू द ब्रेन. The most important cistern is cerebellomedullary cistern or this is also known as cisterna magna. क्या बोलते हैं इसको, cisterna magna, which is known as cerebellomedullary cistern. अब नाम से आपको पता चल रहा है कि what is the cerebellomedullary. Cerebellum and medulla, between the cerebellum and medulla, the space of the cerebro is which is filled by the cerebrospinal fluid and it is present between the cerebellum and medulla which is known as cerebellospinal cerebellomedullary cistern. ठीक है, it is largest cistern formed by the bridging the interval between the medulla oblongata and the occipital bone. It is triangular in sagittal section and it is only cistern which directly communicate with the ventricular system of the brain through the opening of foramen Magendie and foramen Lusca in the roof of the fourth ventricle below the foramen Magendie which is enter into the spinal cord and laterally to the foramen Lusca. Wo last wala jo part maine bataya tha aapko jo fourth ventricle wala cistern is known as cerebellomedullary cistern. ये अपने पास में फोरामन लस्का एंड दिस इज द फोरामन मैगेंडी विच एंटर टुआर्ड द स्पाइनल कोड एंड दिस एंटर टुआर्ड द ब्रेन. ठीक है, और सबअरैक्नॉइड स्पेस तो फोरामन लस्का, लेटरली फोरामन लस्का एंड मीडियली फोरामन मैगेंडी. तो दिस स्पेस इज नोन एज सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न. क्या बोलेंगे इसको, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न. इसका एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल और होता है जो सिस्टर्नल पंक्चर बोलते हैं उसको. सिस्टर्नल पंक्चर, जैसे लंबार पंक्चर होता है ना, लंबार पंक्चर
जहाँ से फ्लूड लेते हैं लंबा L3 L4 के बीच में से, उसमें से इसी तरह से यहाँ से अपन अगर फ्लूड लेना होता है, CSF लेना होता है, तो यहाँ से हम सब ऑक्सिपिटल ट्राइंगल के थ्रू, एटलस वर्टिब्रे के थ्रू और सेरिब्लो मेडुलरी सिस्टम में जाएंगे, ठीक है। वहाँ से अपन एग्जामिनेशन के लिए CSF कलेक्ट करते हैं। दिस इज द मेन साइट ऑफ द CSF कलेक्शन। इसमें आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज द पार्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, एंड दिस इज द फोरामन मोनरो, एंड दिस इज द सेरिब्रल एक्यूडक्ट, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो फर्स्ट इज सेरिब्रो मेडुलरी सिस्टम, नेक्स्ट इज पोन्टाइन सिस्टम और द सिस्टर्न ऑफ पोन्टिस, पोन्टाइन जस्ट एंटीरियर टू पोन्स, यहाँ पे सिस्टर्ना पोन्टाइन, दिस इज द स्पेस प्रेजेंट जस्ट एंटीरियर टू द पोन्स, इट इज एक्सटेंसिव सबरेक्नोइड स्पेस ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द पोन्स और द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स, इट कंटेन्स आर द सेरिबेलर आर्टरी एंड ब्रांचेज, नहीं सॉरी बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म बाय, बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म बाय टू वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, इट रन इन टू द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, एंड इट कंटिन्यू बिलो विद द सबअरेक्नोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिहाइंड विद द सब सेरिब्रो मेडुलर सिस्टम एंड सुपीरियरली विद द इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। तो अपर पार्ट में ये इंटरपेडेंकुलर सिस्टम जो होता है उसमें कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, एंड बिलो विद द बिहाइंड विद द सेरिब्रो मेडुलर सिस्टम, पीछे की तरफ जाएंगे तो, ठीक है, एंड सुपीरियरली इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। तो ये जो है इसके कनेक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेरिब्रो मेडुलर सिस्टम एंड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। अब इंटरपेडेंकुलर सिस्टम जो आता है वो आता है अपने पास में, व्हाट इज द इंटरपेडेंकुलर सिस्टम, इट इज फॉर्म बाय एरेक्नोइड ब्रिजिंग अक्रॉस द टू टेम्पोरल लोब्स एंड कंटेन्स द सर्कल ऑफ विलस। सेरिबेलर जो पेडेंकल्स होते हैं, इंटरपेडेंकुलर स्पेस होता है प्रेजेंट बिटवीन द ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा नाम सुना आपने, ऑप्टिक काइज्मा, टू ऑप्टिक नर्व्स अराइज एंड क्रॉस एट द बेस ऑफ द ब्रेन और द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व और द ऑप्टिक काइज्मा विच इज नोन एज इंटरपेडेंकुलर स्पेस, ब्रेन में बताएंगे आपको, डेमो देंगे जब। इट इज फॉर्म बाय द एरेक्नोइड ब्रिजिंग अक्रॉस द टू टेम्पोरल लोब्स एंड कंटेन्स द सर्कल ऑफ विलीज, सर्कल ऑफ विलीज जो होता है, इट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, मोस्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सप्लाइड बाय द सर्कल ऑफ विलीज, इट इज फॉर्म बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी, सर्कल ऑफ विलीज इज फॉर्म बाय द इंटरनल कैरोटिड और द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रांचेज ऑफ बेसिलर आर्टरी, ठीक है, ये ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन में आएगा आपके। एंड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम इज कंटिन्यूस लेटरली विद द सबअरेक्नोइड सराउंडिंग द मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये जो मिडिल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होते हैं ये भी अलग अलग पार्ट की ब्रांचेज होती हैं। तो एंटीरियर एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, दिस इज द इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। एंड सिस्टम ऑफ लेटरल सल्कस और द सिल्वियन सल्कस, ये सिल्वियन सल्कस होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन पे, एक होता है अपने पास में सेंट्रल सल्कस जो मिड लाइन से पास होती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसका लेटरल एस्पेक्ट में, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ सिल्वियन सल्कस और द सिल्वियन सिस्टम, इसको बोलते हैं लेटरल सल्कस सिस्टम और द सिल्वियन सिस्टम, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ ईच टेम्पोरल पोल, टेम्पोरल पोल, ब्रेन के कितने पोल्स होते हैं, थ्री, वन इज द फ्रंटल पोल, सेकंड इज ऑक्सीपिटल पोल एंड थर्ड इज टेम्पोरल पोल, एंड लोब्स आर फोर, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल, बट पोल्स जो होते हैं वो थ्री होते हैं, पैराइटल पोल नहीं होता है, समझ गए। तो ये जो होता है लेटरल पोल के पास प्रेजेंट होती है और ऑक्सीपिटल पोल के पास प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी,
विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सिस्टर्न ऑफ द ग्रेट सेरिब्रल वेन और द सिस्टर्न एम्बियंस बोलते हैं इसको, विच इज ऑल्सो नोन एज सुपीरियर सिस्टर्न, यहाँ पे एम्बियंस बोलते हैं इसको, इट ऑक्यूपाइज द इंटरवेल बिटवीन द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस आर द पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड दिस इज द स्प्लेनियम पार्ट, सबसे पहले रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी एंड स्प्लेनियम, फोर पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोजम, रोस्ट्रम, एंटीरियर टू पोस्टीरियर रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी एंड स्प्लेनियम, तो ये जो प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द स्प्लेनियम प्रेजेंट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज स्प्लेनियम पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, दिस सिस्टम कंटेन द ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ द गैलेंट एंड द पीनियल ग्लैंड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेट सेरिब्रल वेन सिस्टम, ठीक है, एंड पीनियल ग्लैंड इसका पार्ट होता है एंड इज वाइडली यूज फॉर द न्यूरोसर्जिकल लैंडमार्क. नो अप्लाइड इज सिस्टर्नल पंक्चर, द सेरिब्रो मेडुलर सिस्टम इज इजीली एक्सेसिबल टू द नीडल इंट्रोड्यूस एंटीरियर सुपीरियरली थ्रू द पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन बिटवीन द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामन मैग्नम, सो इट इज यूटिलाइज फॉर द सिस्टर्नल पंक्चर, पोस्टीरियर आर्च, एटलस की पोस्टीरियर आर्च पता है, पोस्टीरियर आर्च मतलब पोस्टीरियरली होगी, एंटीरियर आर्च एंटीरियरली होगी तो पोस्टीरियरली जाएंगे हम, ठीक है, तो पोस्टीरियर आर्च से जाएंगे एटलस में और एंटर इनटू द सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न फॉर द कलेक्शन ऑफ द CSF, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टम, वी एंटर द नीडल थ्रू हेयर and reach up to the cerebellomedullary cistern and collect the cerebrospinal fluid, ठीक है, तो ये important चीज है, क्या है इसमें important, ये the cerebellomedullary cistern is easily accessible to the needle introduced the anterior superiorly through the posterior atlanto occipital membrane, ये important है, through the posterior एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन बिटवीन द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामन मैग्नम, ठीक है, यहां से अपन एंटर करते हैं और कलेक्शन ऑफ द CSF, ठीक है,